अगेन इट इज़ वेरी इजी टू राइट एनी कैंसर बिकॉज अपने को वी विल गेट सो मेनी कैंसर इन पैथोलॉजी, स्टमक कैंसर, लीवर कैंसर, बावल कैंसर, बोन कैंसर, यूट्रस कैंसर, ओवरी कैंसर, टेस्टिस कैंसर, ग्रॉस किडनी कैंसर, एडिनल ग्लैंड ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स, सब जगह ट्यूमर है कैंसर्स. सो वेन एवर यू आर सपोज टू राइट एन आंसर ऑफ पैथोलॉजी इन केस ऑफ एनी कैंसर, वॉट आर यू सपोज टू राइट फर्स्ट ना, लेट मी एन्यूमरेट द पॉइंट्स राइट नाउ. यू सपोज टू राइट इटियोलॉजी ऑफ कैंसर. ना मोस्ट ऑफ द कैंसर्स का आइडियोलॉजी रहता है एडिक्शन, या तो जेनेटिक्स, या तो बिहेवियर, या तो फिर कुछ तो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन. आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैंसर्स. अगर ये आ गया तो कोई भी कैंसर हम लोग लिख सकते हैं. एनी कैंसर विल बी एबल टू राइट इजीली. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज द टाइप ऑफ कैंसर. मतलब ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, अडीनो कार्सिनोमा है, कि सार्कोमा है. नाउ ये अपने को बाय हार्ट करना पड़ेगा. देयर इज नो वे यू विल हैव टू बाय हार्ट इट. कौन सा टाइप ऑफ कैंसर, व्हाट टाइप ऑफ कैंसर इट इज. थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस पर्टिकुलर कैंसर इज व्हाट इज द ग्रॉस अपियरेंस. नाउ सारे कैंसर जो हैं ये यूजुअली सर्कुलर दिखते हैं, इरेगुलर शेप भी हो सकता है, विद द एरियाज ऑफ हेमरेज, नेक्रोसिस एंड द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स विल बी कंप्रेस्ड और दे कैन बी अ स्वेलिंग ग्रॉस एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक में. ग्रॉस एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस. सर्कुलर लीवर कैंसर आएगा तो इट ऑल्सो सर्कुलर मास कंप्रेसिंग द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स विद द एरियाज ऑफ हेमरेज एंड नेक्रोसिस. ये अपने को कभी काम में आएगा. रिमेंबर प्रैक्टिकल्स में व्हेन दे शो टू यू अबाउट द स्पेसिमेंस उसमें 40% स्पेसिमेंस कैंसर के रहते हैं. 40% स्पेसिमेंस आर ऑफ कैंसर. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस इट विल ऑल्सो भी इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिकल्स. इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिकल्स. फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज वॉट हाउ एग्जैक्टली डज इट स्प्रेड. और अपने को पता है कैसे स्प्रेड होता है. वी हैव फोर डिफरेंट रादर थ्री डिफरेंट मैकेनिज्म्स बाय विच एनी ट्यूमर कैन स्प्रेड. लोकल स्प्रेड, लिम्फैटिक स्प्रेड एंड हेमाटोजेनस स्प्रेड. लोकल, लिम्फैटिक एंड हेमाटोजेनस. मतलब वो ट्यूमर के हिसाब से जो भी लोकल स्प्रेड है वो हम लोग लिख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रकिया का ट्यूमर है वो जाएगा पीछे ईसोफेगस में, पैराट्रकियल लिम्फ नोड में, मीडियास्टाइनम में. तो उसके हिसाब से हम लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं. इसमें डिटेल, ऑफ कोर्स इसमें डिटेल लिखो, मैं तो सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ. लेकिन जो भी कैंसर है उसके हिसाब से अदर डिटेल्स विल कम. देन वी ऑल्सो हैव क्लिनिकल फीचर्स. अभी दिस डिपेंड्स अपॉन द कैंसर अगेन. क्लिनिकल फीचर्स कैन बी बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग, कैन बी बिकॉज ऑफ द ट्यूमर, can be because of the compression, can be because of the bleeding. Cancer ke hisab se hai, of course. Depends. Let's say for example, esophagus ka cancer hai. To sabse pehle symptoms kya hai? Dysphagia, swelling. It can be difficulty in swallowing. Sixth point, what exactly is the grading and staging? मतलब उसके स्टेज क्या है. मोस्ट कॉमन इज द TNM स्टेजिंग. वो कैंसर के हिसाब से फिर स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री. नॉर्मली सारे कैंसर का स्टेज वन इज व्हाट, T1N0M0. स्टेज टू इज व्हाट, T2N1M0. स्टेज थ्री इज व्हाट, T3N2M1.
लॉजिक है। अगर ये ध्यान में आ गया तो लगभग देर आर अबाउट 20 कैंसर्स विच आर देयर इन पैथोलॉजी, वो हम लोग ईजीली लिख सकते हैं। रिमेंबर वी रिक्वायर कॉमन सेंस। अगर वो कॉमन सेंस आ गया देन इट बिकम्स एनी सब्जेक्ट गोइंग टू बिकम वेरी इजी, एनी सब्जेक्ट कैन बिकम वेरी इजी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, देखो स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।